ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेंगलुरु से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना दिवस परेड का आयोजन जो है वो वहां पर किया जा रहा है। पहली बार दिल्ली से बाहर जो है वो परेड हो रही है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने परेड की सलामी भी ली है। पीएम मोदी ने देशवासियों को इंडियन आर्मी का जो ये अहम दिन है सेना को भी बधाई दी है, साथ साथ में जनता को भी यहाँ पर संदेश दिया है 75वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के। और देखिए पहली बार ऐसा है, ये पहला मौका ऐसा है जब दिल्ली से बाहर इस परेड का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है। बेंगलुरु में सेना दिवस परेड का आयोजन जो है वो यहाँ किया जा रहा है, विशेष परेड ये, और बहादुर सैनिकों को सम्मानित भी यहाँ पर आर्मी चीफ मनोज पांडे की ओर से किया जाएगा। और वायुसेना जो है देखिए फ्लाईपास्ट भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, ड्रोन ऑपरेशन जो है उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। शिवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शिवानी, यहाँ पर सेना दिवस को कैसे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हर साल की तरह, वो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिखाएं जरा क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है। शिवानी देखिए 75वां सेना दिवस है जो इस वक्त बेंगलुरु में चल रहा है, और ये पहली बार है जब दिल्ली से बाहर निकला है सेना दिवस का ये आयोजन। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से परेड के लिए लाइंड अप है हमारे ट्रूप्स, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने प्रेजेंटेशन किए हैं, गैलेंट्री अवार्ड यहाँ पर दिए हैं, वीरों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोपहर में एक शौर्य संध्या होने वाली है। सेना का शौर्य, सेना की शक्ति, सेना का साहस यहां पर दिखाया जा रहा है, उसका प्रदर्शन भी है और उसका सेलिब्रेशन भी है। और भारतीय सेना पहली बार बेंगलुरु में जब इसे मना रही है तो वाकई में इसे बहुत ही खास तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि एक नई परंपरा की शुरुआत यहां पर हुई है जब दिल्ली से बाहर निकला है सेना दिवस, और 75वां सेना दिवस है इसलिए और भी ज्यादा भव्यता के साथ इसको मनाया जा रहा है। तो सेना की जो ताकत है उसको प्रदर्शित करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट हैं वो यहां पर रखे गए हैं, चाहे वो T-90 टैंक्स हों, चाहे वो शिल्का हो, चाहे वो मिसाइल सिस्टम्स हों, वो सब भी यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। फ्लाई पास्ट यहां पर हमने देखा कैसे ALH और सुखोई विमानों ने फ्लाई पास्ट किया, और यहां पर जितने भी लोग थे उनका अभिनंदन किया। अब थोड़ी देर में ये जो परेड यहां पर मौजूद है वो यहां पर मार्च पास्ट करेगी, और इस मार्च पास्ट के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एड्रेस होगा, वो अपना संबोधन करेंगे, और दोपहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आएंगे जिनके सामने एक बार फिर एक भव्य आयोजन होने वाला है। तो अगर हम बात करें सेना दिवस की सिग्निफिकेंस की, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जब अंग्रेजों से भारतीय सेना की कमान संभाली थी 1949 में आज ही के दिन, तब से ये सेना दिवस मनाया जाता है, और आज 75वां सेना दिवस पहली बार बेंगलुरु में मनाया जा रहा है, तो ये और भी ज्यादा खास है। बिल्कुल शिवानी, और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली से बाहर इसका आयोजन इस बार किया गया है। और वैसे तो देखिए इंडियन आर्मी को हर दिन सलाम है शिवानी, जिस तरह से सरहद पर वो लगातार डटे रहते हैं, देशवासियों की रक्षा वहां पर करते हैं, वो हर दिन सलाम के काबिल हैं। लेकिन एक ऐसा दिन होता है जब जनता जो है देश की वो वाकई में अपना समर्पण जो है वो यहाँ पर इंडियन आर्मी को दिखाती है, सारी बातें, मन की बातें सारी जो है वो साझा की जाती हैं। शिवानी बिल्कुल, देखिए हर दिन सेना को सलाम है, देशवासी समर्पित हैं अपनी सेना के लिए और सम्मान करते हैं सेना का। लेकिन जब अगर सेना दिवस की बात करें, कुछ खास मौकों की बात करें, चाहे वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, चाहे वो सेना दिवस हो, चाहे 15 अगस्त हो, ये वो कुछ मौके होते हैं जब पूरा देश एकजुट हो जाता है अपने सेना के सम्मान में, और जो सैनिक हैं, जो वीर सैनिक हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए सम्मानों का आयोजन होता है। और आज भी हमने देखा किस तरह से गैलेंट्री अवार्ड यहां पर प्रेजेंट किए गए, 15 इंडिविजुअल अवार्ड्स थे, 21 यूनिट्स का साइटेशन था। आप देखिए किस तरह से हमारे जो ताकत सेना के शौर्य का आज एक आयोजन यहां पर बेंगलुरु में हो रहा है, एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली से बाहर निकल कर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, आप हमारे साथ जुड़ी, और जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि जाहिर है कैसे यहां पर सारी चीजें जो हैं वो मॉडर्नाइज हुई हैं, कैसे बदली हमारी भारतीय सेना, उसका एक नमूना वो ताकत जो है वो यहां पर आज प्रदर्शित होती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े।